और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेशनल हाईवे पर टनल के अंदर हुए हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पिछले 60 घंटे से बदस्तूर जारी है। रेस्क्यू लगातार जारी है और टनल में अभी भी 40 मजदूर जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। आईटीबीपी के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। टनल में फंसी 40 जिंदगियां, साठ घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। चार धाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा पोल गांव सुरंग में पिछले 60 घंटे से 40 जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सभी 40 मजदूर सुरक्षित हैं, उन तक खाना, पानी और ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना अब तक संभव नहीं हो पाया है। हमारे वर्कर्स से एसडीआरएफ के द्वारा और हमारे द्वारा लगातार बातचीत की जा रही है। 10 बजे आज सुबह उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है और वो सभी लोग सेफ एंड साउंड हैं। उनके लिए जो भी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो की जा रही है। कुछ दवाइयों की व्यवस्था भी सीएमओ साहब के द्वारा अभी की गई है। कार्य है वो लगातार चल रहा है और अभी एक सेफ्टी पैसेज या एक छोटा टनल अंदर पाइप के माध्यम से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एस्केप टनल। तो उसके लिए मटेरियल सभी यहाँ पे साइट पे अवेलेबल हो गया है। जो 800 mm डाया के पाइप्स हैं वो पहुंच गए थे रात में और अब उनके लिए एक प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य अभी गतिमान है और उसके बाद उस कार्य को, एस्केप टनल बनाने के कार्य को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। पिछले 60 घंटों से केंद्र और राज्य सरकार दोनों राहत और बचाव कार्य का पल पल का अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। कल सीएम धामी ने हादसे वाली जगह पहुंचकर हालात का जायजा लिया था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर हालात की जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार श्रमिकों की कुशलता के लिए लगातार जानकारी ले रहे हैं, वो चिंता उन्होंने व्यक्त की है और पूरे घटनाक्रम को मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और हम लोग पूरी तरह से इस घटना को नज़दीक से देख रहे हैं और मैं स्वयं वहाँ गया भी था। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सब से भी मैंने बात की है, जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्द से जल्दी जो है कुशलता उनकी कुशलता से बाहर आ जाए, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। कुल मिलाकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सभी टनल हादसे को लेकर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। राहत की बात यह है कि सभी 40 मजदूर फिलहाल सुरक्षित हैं और अब उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए मलबा हटाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा टनल में मिट्टी के धंसने से हुआ। टनल से मिट्टी को हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन हादसा इतना बड़ा है कि अब तक कामयाबी नहीं मिली है। जितना मलबा हटाया जा रहा है उतना ही मलबा फिर से नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के काम में मुश्किल आ रही है।